और उसके बाद भी आप कैमरा से काफी टाइम तक छुपे रहे हैं। हाँ, छुपे रहे। अच्छा लगता है क्योंकि जब आप कोई प्रयास करते हैं, किसी काम को करने की सोचते हैं और उस चीज में सफलता मिलती है, तो ऐसा लगता है कि जो हम कर रहे हैं शायद सही रास्ते पर जा रहे हैं, जो हमारी नमस्ते एनबीसी 24 देख रहे हैं आप और एनबीसी 24 की लाइव में आज हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान अवनीश बाबू। किसी पहचान के मोहताज नहीं है लेकिन काफी छुपा रुस्तम है। कैसे हैं अवनीश जी? सर नमस्कार, बहुत बढ़िया है। एनबीसी 24 देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। अवनीश बाबू किसी पहचान के मोहताज नहीं है, इन्होंने काफी सारे गाना इन्होंने गाया है और आज काफी समय के बाद इनको हमने लाइव पे लिया है क्योंकि ये बहुत दिन से छुपा रुस्तम की तरह इधर से उधर निकल रहे थे कैमरा पे। काफी टाइम के बाद इन्होंने एक वीडियो किया, अभी हमने उस वीडियो को देखा और सोचा कि क्यों ना इनसे बात किया जाए। अनिश जी कैसा रहा अब गाना तू फंस के बोल लो हुए जान? कई गानों को आपने किया और कई मिलियन आपने प्राप्त भी किए और अब जो है आपने नया गाना किया है और उसमें खुद आप खुद नजर आ रहे हैं। सर सबसे पहले तो सभी लोग सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, क्योंकि बहुत ज्यादा प्यार लोग दिए हैं, जितना चाहिए उससे ज्यादा दिए हैं और काम कर रहे हैं। काफी सारी दिक्कतें आई, लोगों का कहना था कि आप वीडियो नहीं करते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना लोगों की बात सुना जाए और वीडियो हमने किया है, बहुत जल्द रिलीज होगा, देखते सुनने को मिलेगा। और बताइए हमारे दर्शकों को कि छठ में अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट आ रहा है? ब्लू ब्लू आइज तो एक महीना पहले रिलीज हो गया, काफी गाना अच्छा भी रहा, हिट भी किया। सर छठ में आने वाला देखते हैं, रिलीज हो जाएगा तो एक दो दिन में आ जाएगा। और वो भी वीडियो मैंने किया है, देखते हैं रिलीज हो जाता है कि नहीं, जा रहे हैं उसमें, देखते हैं कब तक रिलीज होता। छठ का कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट, क्योंकि छठ भी आने वाला है जी, क्या छठ का कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाला है? हाँ, छठ के लिए मैंने गाना किया है, माँ के लिए ही गाना है, लड़का है माँ के लिए छठ व्रत किया है, तो अच्छा गाना है, वो आने वाला है कल या परसों के लिए। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को एक कोई भी गाना जो हो जो आपको लगे कि हाँ, क्योंकि छठ भी है और चाहेंगे कि आप थोड़ा गुनगुना दें। चाही बस के बोहंगी लचकत जाए, बोहंगी लचकत जाए। छठ का ही सबसे बड़ा गाना है, इससे बड़ा कोई गाना नहीं है छठ का। चलिए बहुत भी प्यारी आवाज है और इसी प्यारी आवाज पे तू हंस के बोलो हुए जान पे कई मिलियन जो है व्यूज जो है वो प्राप्त हुए हैं और अब ब्लू आईज तमाम गाने जो है आ गए हैं। और अनिश जी हमारे दर्शकों के लिए जो आपका वो गाना है जो लोग काफी सारा प्यार दे चुके हैं तू हंस के बोलो हुए जान, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए वो भी एक गाना जो है आप गुनगुना दें। बिल्कुल, तू हंस के बोलो लुए जान, दिलवा के दोहरा दूंगो ओढ़ी गोइल, तू हंस के बोलो लुए जान, दिलवा के दोहरा दूंगो ओढ़ी गोइल, अरे तोहरा प्यार में पागल, तोहरा प्यार में पागल,
चलिए इसी गाना पे 59 करोड़ लोग जो हैं, दर्शक जो हैं, इन आपको प्यार दिए, कितना खुशी मिलता है उन्नीस जी इतना ऊपर, और उसके बाद भी आप कैमरा से काफी टाइम तक छुपे रहे। हाँ छुपे रहे, अच्छा लगता है क्योंकि जब आप कोई प्रयास करते हैं किसी काम को करने की सोचते हैं और उस चीज में सफलता मिलती है तो ऐसा लगता है कि जो हम कर रहे हैं शायद सही रास्ते पे जा रहे हैं, जो हमारी सोच है एक सही रास्ते पे और करने की जरूरत है, तो अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस मिलता है आगे और काम करने के लिए। चलिए तू हंस के बोलो ये जान, इन्होंने जो गाना गाया है आपको बता दे कि आज YouTube पे 59 करोड़ लोगों ने इस गाने को प्यार दिया है। अनीश बाबू जो है काफी समय से जो है कैमरे के सामने नहीं आते थे, काफी कैमरे के सामने से ये बसते नजर आते हैं, लेकिन हम आपको बता दे कि आप जाके इनके गानों को सुन सकते हैं। ये वही सिंगर है जो ये इन्होंने ये गाना गाया है तू हंस के बोलो ये जान, आपने सुना कि इन्होंने ये अपनी आवाज में ये अपने गाना गाया है। वही आपको बता दे कि नीली नीली अखिया तमाम गाने जो हैं इन्हीं की आवाज में जो है आपको सुनते होंगे, लेकिन काफी लोग जो हैं नहीं जानते हैं कि आखिर ये सिंगर है कौन। तो आपको बता दें कि ये अनीस बाबू को यही वो सिंगर हैं जो कैमरे से जो है अभी इनके गाना जो है ब्लू आईज ही था ना शायद, 1 महीना पहले जो गाना रिलीज हुआ है जी, तो 1 महीना पहले इनका गाना रिलीज हुआ जी, कितना मेहनत लगा है उन्हें इस गाने को बनाने में, क्योंकि गाना जो है काफी प्यारा है। गाने को ऐसे एक रिस्क भी था कि एक जो होता है इंग्लिश वर्ड को यूज करके लाया जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए, और अगर जो चीज सबसे गलती है आगे और भी चीजें किए जाए वेस्टर्न तरीके से जैसे पंजाबी लोग करते हैं, तो उसी सोच के साथ हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए आप वो गाना जो है एक बार वो भी गाना जो है गुनगुना दे, क्योंकि चलिए तो आपने सुना हमारे साथ अनीश बाबू जो भोजपुरी के सिंगर हैं, काफी समय से हम इनको जो है खोज रहे थे, पटना में ही आ रहे हैं, इस कारण से इनके साथ जो है लाइव आना पड़ा। आपने सुना कि तमाम गाने जो है अनीश बाबू ने आपको सुनाया है, वहीं काफी प्यारा प्यारा गाना जो है उन्होंने गाया है, लेकिन कैमरे से हमने पहले भी आपको बताया और फिर से हम आपको बता रहे हैं, NBC 24 पर अनीश बाबू जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। और जिस तरीके से हम आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे, जिस तरीके से आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद छिड़ा हुआ है, भोजपुरी गानों को लेकर के लगातार जो लोग हैं अश्लीलता की बात करते हैं, किस तरीके से आप इसको देखते हैं, क्योंकि लगातार अश्लीलता 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 ढोड़ी दर छिलता ये गाना आया तो उसपे भी अश्लीलता लोगों को लगा, इसपे वही करना है कि मतलब किसी चीज को कहने से तो वो चीज खत्म नहीं होगी, आपके अंदर वो चीज है तो करके दिखाइए जिनको आप, और बुराई कैसे खत्म होगी जब उसके रिप्लेसमेंट में अच्छाई लाया जाएगा। ऐसे मान लीजिए प्लास्टिक है, लोग जानते हैं खराब है लेकिन उसको हटाना उसके लिए जब तक उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं आ जाता, तो वैसे ही है अश्लील चीजें और तो इससे काफी कम हो गई, हमको लग रहा है 99% अच्छे गाने आ रहे हैं भोजपुरी में, इक्का दुक्का सॉन्ग दो चार गाने ऐसे चल जाते हैं, देखते होंगे तो। चलिए तो जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया अनीश जी, हमारे तरफ से सभी लोगों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं, शानदार छठ बिताया, हम भी छठ मनाने के काम पे जाएंगे, आज जो भी है पूरा शुक्रिया। NBC 24 के साथ बने रहे, बहरहाल वीडियो में इतना ही, वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो पेज को लाइक फॉलो कर ले, वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बहुत बहुत धन्यवाद।